किसान कल्याण संघ का शपथ ग्रहण समारोह मालखरौदा में संपन्न। नवगठित जिला शक्ति ब्लॉक मालखरौदा में किसान कल्याण शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस किसान सम्मान समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डी मौर्य जी, कृषि अभियंता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जमुना देवी सिरमौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पप्पू घनश्याम यादव जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती भगवती मिरज, प्रदेश अध्यक्ष रंजी महिला प्रकोष्ठ अनीता द्रितलहरे, मालती सांडिया, रंजीत मल्होत्रा, जगदीश दिनकर, दिल कुमार। इसके साथ ही विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तरी कुर्रे जनपद सदस्य एवं प्रदेश महिला प्रकोष्ठ जो इस कार्यक्रम के आयोजक थी और इस संघ में उपस्थित जनपद अध्यक्ष लिकेश्वरी देवालहरे, सुरेश दनसेना, शांति कुमार रात्रे, सभी अतिथियों का स्वागत गीत के माध्यम से प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ स्कूली बच्चे द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम पर डी के मौर्य में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में आज मैं आपको अवगत करा दूँ, किसान कल्याण संघ छत्तीसगढ़ शक्ति जिला के मालखरौदा ब्लॉक में आज जिला स्तरीय शपथ समारोह का आयोजन किया गया। साथ में 300 किसानों को नारियल गमछा से सम्मानित भी किया गया। मैं आपको बता दूं, किसान कल्याण संघ पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं 25 राज्य में प्रसारित है। आज हमारे संगठन जो है पूरे छत्तीसगढ़ नहीं भारत में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यह पहला संगठन है पूरे भारत देश में जो गैर राजनीतिक संगठन है, और आज गैर राजनीतिक संगठन के होते हुए आज हमें भारत सरकार और राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है संचालित होकर हमें काम करने का अनुग्रह मिल रहा है। हमारा संगठन कतई राजनीति की ओर कभी नहीं जाएगा, न कभी हम राजनीति करेंगे। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, हर एक घर किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य है किसान के अधिकार को जगाना और उसको सामने लाना। इसी परिप्रेक्ष्य में किसान की अधिकार यात्रा को लेकर किसान कल्याण संघ आज पूरे छत्तीसगढ़ के 32 जिले में जिला ब्लॉक कार्यकारिणी का शपथ समारोह का आयोजन कर किसान के अधिकारों को जगाने के लिए और उनकी अधिकार को दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको जो अवगत करा दूं, राजनीति हमारे संगठन में कतई नहीं होगा। किसान कल्याण संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जो भारत के 25 राज्य में प्रसारित है। तो ऐसा कुछ मुद्दा थोड़ी ना है कि जो चुनाव आपको पूरा छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का कोई तैयारी ना थोड़ी चल रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसान कल्याण संघ गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे संगठन के द्वारा किसी प्रकार से राजनीतिक प्रकोष्ठ के लिए हम किसी भी मंच में ना बात करते हैं, न किसी प्रकार से हम बात को अपनी सरकार को या राज्य सरकार व केंद्र सरकार को कहते हैं। हमारा किसान कल्याण संघ 13 बिंदु तैयार किया है छत्तीसगढ़ में, उस 13 बिंदु में उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारा संगठन आज छत्तीसगढ़ में लगातार 3 सालों से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। और एक बात आप सब लोगों को मैं अवगत करा दूं आपके माध्यम से, पूरे छत्तीसगढ़